नृत्य शिल्प का एक अनूठा रूप है। ये न केवल प्रतिभा प्रदर्शन करने का प्रतीक है, बल्कि शरीर, मन और दिमाग में एक ऊर्जा भी पैदा करता है। नृत्य के बहुत सारे रूप हैं, सांस्कृतिक, भौतिक, समकालीन और मुक्त शैली। नृत्यकार अपने आप में एक बहुत बड़ा शिल्पकार है। वो अपने बॉडी मूवमेंट्स को अपने थॉट्स के साथ वेल कोऑर्डिनेट करके अपनी ऑडियंस के आगे प्रेजेंट करता है। नृत्य का सबसे पहला प्रमाण भारत में 9000 साल पुराने गुफा चित्रों में मिलता है। प्राचीन संगीत और देवताओं को दर्शाने वाली धार्मिक समारोह में नृत्य का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। हिंदू धर्म में नृत्य का बहुत महत्व है। उनके द्वारा पूरे ब्रह्मांड को नटराज के नृत्य द्वारा बनाया गया। उनके 23 देवताओं का नृत्य को प्रदर्शित करने का अपना एक अनूठा तरीका है। नटराज नृत्य के रूप में हिंदू भगवान शिव का एक रूप है। वो उनका एक चित्रण भी है। उनके द्वारा करे गए नृत्य को तांडव या नंदाता कहा जाता है। भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक प्रमुख रूप है। ये भारत के तमिलनाडु राज्य में उत्पन्न हुआ और भारत में संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 8 प्रमुख नृत्यों में से एक है। भरतनाट्यम दक्षिण भारत में धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। नृत्य की और भी बहुत शैलियां हैं, जैसे कथक, कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम। ओडिसी एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति भारत के ओडिशा में हुई। साहित्य में भारत की संस्कृति में इसे ओडिसी के नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा में प्राचीन मंदिरों में उड़ीसी नृत्य ही किया जाता है। उड़ीसी प्रमुख रूप से महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हमारे धार्मिक नृत्यों में जहां शिव और सूर्य के भावों को प्रदर्शित करते हैं, वहां उड़ीसी नृत्य प्रमुख रूप से देवी के विचारों को भी व्यक्त करता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में एक और प्रमुख नृत्य है जिसको कहते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति हुई भारत में आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नामक प्रांत में। कुचिपुड़ी नृत्य पारंपरिक रूप से रात को प्रदर्शित करने वाला नृत्य है।
गांव के लोग जब पूरा दिन काम करके अपने घर लौटते थे और पूरी दिनचर्या से अपनी थकावट को उतारते थे, तो मंदिर के बगल में होने वाले कुचिपुड़ी नृत्य को देख के वो अपने जीवन में एक रस भरते थे। कुचिपुड़ी नृत्य या भरतनाट्यम या ओडिसी नृत्य, ये नृत्य पारंपरिक कहानियों के साथ साथ लोगों को उनके भौतिक जीवन में, उनके सांसारिक जीवन में एक नया रूप देता है, एक नया रंग देता है। जिस तरह प्रत्येक नृतक अपने नृत्य के कदमों के साथ अपने विचारों, विचारधाराओं और अनुभवों को बहुत खूबसूरती से बुनता है, उससे हमें ये दिखाई देता है कि वो अपने आप में कितना बड़ा शिल्पकार है। आज मरासिम में हमने बात करी नृत्य की शिल्प के नज़रिए से। इसी तरह की बहुत सुंदर कहानियाँ हम हर बार आपके साथ लेकर आते रहेंगे। हम आपसे अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।